श्री राधा मदन मोहन जी महाराज की द भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट अफ्रीका। कौन के डिवोटीज भी मिले हैं यहाँ पे। हाय गाइस, आई एम अमरदीप, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर अमरदीप ब्लॉग। जी फिलहाल मैं हूँ श्री श्री कृष्ण बलराम टेम्पल वृंदावन में। अभी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ नगर संकीर्तन, हम उसमें शामिल होने वाले हैं। तो उसमें क्या है कि हम इधर के सारे मंदिर जितने अगल बगल में हैं तो वहाँ घूमेंगे, अधिकतर पार्ट वृंदावन का कवर हो जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, नीचे चैनल सब्सक्राइब कर देना। और अभी हम दौड़ के जाएंगे, बहुत लेट हो रहा है। नगर संकीर्तन में हम लोग शामिल हो गए, पीछे शिला प्रभुपाद जी का डीडी देख सकते हो। और हमें पटना इस्कॉन के डिवोटीज भी मिले हैं यहाँ पे। संकीर्तन में हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं एचएस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, जो पीछे मैं आपको देखने को मिला हूँ। नगर संकीर्तन का फायदा ये होता है, आप भक्तों के साथ पूरा मतलब लोकल स्ट्रीट जितना भी है सब घूम सकते हो, जो आप नहीं भी घूमे हो वो भक्तों के साथ आनंद ही आ जाता है। एक गली में आए हैं, ठीक है, और आपको यहाँ पे धर्मशाला होटल्स मतलब पूरा लाइन से मिल जाएंगे। हमारी नगर संकीर्तन यात्रा आई है अभी श्री विनोदवानी गौड़े मठ वृंदावन में। हमारी यात्रा एक और मंदिर के पास पहुंच गई है, यह है मंदिर श्री ठाकुर मदन मोहन जी महाराज का। हमने दर्शन किया है श्री राधा मदन मोहन जी टेंपल है ये, तो राधा जी के और मदन मोहन जी के दर्शन हो गए, अब हमारी यात्रा आगे निकल रही है। फ्रेंड डिवोटीज देख सकते हैं द भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट अफ्रीका। चलिए आपको दर्शन कराते हैं। ये देखो क्या टेंपल है, हरि बोल। टेम्पल देखो श्री राधा मदन मोहन जी महाराज की, ये कितनी ऊंचाई पे है। तो हमने दर्शन कर लिया श्री श्री राधा मदन मोहन जी के, अब जा रहे हैं आगे, जितने लोग गए हैं आगे उनको पकड़ने, हम भी यात्रा में शामिल हो जाए फिर दोबारा से। यात्रा के दौरान हलवा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन बाय इस्कॉन वृंदावन, हलवा प्रसाद। आपको दिखाते हैं, बहुत ही सुंदर अंदर से भी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन पूजा हुआ था उसकी कुछ झांकियां। टेंपल के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है तो मैं मोबाइल अंदर वीडियो नहीं बना पाया, और आप बाहर से देख लिए, बहुत सुंदर है।
ये राधा गोपीनाथ जी है। आपको बहुत अनेक मंदिर मिल जाएंगे रोड के किनारे किनारे। यमुना नदी के किनारे में भक्त लोग आए यमुना जी के दर्शन कर रहे हैं। इधर गोविंद घाट है, गोविंद घाट के ठीक सामने गली में हमारी यात्रा, वृंदावन की छोटी छोटी गली। नेक्स्ट टेम्पल हम आ गए हैं, ठाकुर श्री श्री राधा दामोदर। शीला प्रभुपाद जी की डीडी को दर्शन कराया जा रहा है श्री राधा दामोदर देव महाराज। दामोदर जी टेंपल के दर्शन करने के बाद हम सब की यात्रा आगे बढ़ रही है नेक्स्ट टेंपल की ओर। एक और मंदिर आ गया है श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर। राधा श्याम सुंदर अंदर बाहर से देख लीजिए, अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। यात्रा आ गई है लोई बाजार, लोई बाजार देख। शिला प्रभुपाद जी की ड्यूटी जा रही है और जो दुकान वाले हैं बाजार में जिनकी दुकान है वो माला ऑफर कर रहे हैं शिला प्रभुपाद जी को। हमारी यात्रा आ गई है यहाँ श्री निधि वन पुराना फाटक। तो ये निधि वन है उसका फाटक है, इधर ही है निधि वन। निधि वन जाने का रास्ता है, इसी के ठीक बगल से एक गली है, हम इसी से गुजर रहे हैं। ये निधि वन है पूरा। हम आ गए हैं ठाकुर श्री राधा रमन जी मंदिर। इधर गेट है मेन, उधर पैदल चलने के बाद ये यहाँ से एंट्री हो जाती है श्री राधा रमन मंदिर। दर्शन कर लिए श्री राधा रमन जी के, बहुत अच्छा टेंपल और फोटो वीडियो लेने में कोई रोक नहीं, अच्छे से मैंने आपको अंदर तक दिखा दिया मंदिर। रास्ता में हमें एक और टेंपल मिला है, यह श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर, शूज रखने का स्थान। ये टेंपल है गोपीनाथ जी का और ये टूटा हुआ जो दिख रहा है ना, तो ये मुगल के टाइम का ही नष्ट किया गया है। बाकी टेंपल बाहर में कुछ ऐसा है, अंदर से टेंपल आपको दिखा। आप लोगों ने सीधा दर्शन किया है श्री राधा गोपीनाथ जी का, अब यहाँ से हम सब जा रहे हैं अपनी मंडली की तरफ। और यहाँ पे बंदर बहुत सारे हैं जो आपका सामान छीन सकते हैं, देख लो। और स्ट्रक्चर देख लो भाई, वाह क्या मजबूती है इस बिल्डिंग में। आप लोग ने जो टेंपल देखा हुआ है ठाकुर गोविंद जी का, जो 1590 में ये बना है। ठाकुर गोविंद जी का टेंपल है और 1590 में बना है भाई, इतना पुराना टेंपल समझ सकते हो। एक परिक्रमा हम कर लेते हैं, इस टेंपल के पीछे में भी टेंपल है भाई, ये देखो कितना सारे छोटे छोटे टेंपल, क्या भाई बनावट है यार, 1590 में ही बना है। अब बंदर यहाँ आपको तंग करेंगे, हाथ से मोबाइल भी छीन सकते हैं, मैंने बहुत टाइट से पकड़ा है। यात्रा पूरी होने के बाद हम सब आए हैं प्रसादम हॉल वृंदावन इस्कॉन। ये है प्रसाद, सब्जी प्रसाद, दाल प्रसाद, चावल प्रसाद, एक चपाती प्रसाद। सुबह हम लोग यात्रा के लिए निकले थे 7:30 बजे और 11:30 बजे हमारी यात्रा कंप्लीट हो गई और इस यात्रा का एंड हो रहा है हरी नाम प्रसाद के साथ, कृष्ण भगवान का प्रसाद के साथ। तो हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।